साथ आयुषी शर्मा, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। महाराणा प्रताप मंडल शिव मंदिर पर पहला और सेकंड डोज पूर्व पार्षद पप्पू बिलास एवं सिलावट समाज के नेतृत्व में आज लगाया गया। लावट समाज शिव मंदिर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है और टीकाकरण निर्भरी पप्पू बिलास जी के भोजन में सुबह 10 से हमने 5 बजे तक का कार्यक्रम किया गया है। जनता भी आ रही है और फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों लगाए जा रहे हैं कोविड शील्ड के, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से हमें बचाव रखना है तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो इसलिए ये कोविड का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। सर आपके बारे में कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गए? अपना प्रतिशत मतलब 84 वार्ड 34 महाराणा प्रताप मंडल। क्या संदेश आम जनता को आप देते हैं? मेरे जनता से यही संदेश है कि कोविड का टीका लगवाएं, कोरोना संक्रमण के बचाव हो चुके, क्योंकि अभी आपने अप्रैल में देखा था कि कितनी भयानक स्थिति हो गई थी यहाँ पे, और उसके बाद टीकाकरण भी उसका बचाव हो। मेरा छोटे नाम सिलावट नाम है, मैं आदि का सेवा और मैं जनता की सेवा करता हूँ। आज आप विचित्र वेशभूषा में कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज बाबा की सेवा में हूँ, हर गुरुवार को सेवा में रहता हूँ और मंगलवार को आपके मंगलवार को। आज सकल पंच सिलावट समाज एकता संगठन समिति के द्वारा वैक्सीन प्रभारी श्री पप्पूलाल जी के द्वारा शिव मंदिर स्टेट बैंक कॉलोनी में कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी भाइयों से माता और बहनों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वैक्सीन लगवाएं। हमारी समिति जनता की सेवा कर रही है, निरंतर कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा में लगी हुई है। और हमारे मनीष भाई कौन सा डोज आज वैक्सीनेशन का? कौन सा डोज? ये फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों ही लग रहे हैं। 18+45 वर्ष के लोगों को लगाया जा रहा है। कितने लोग वैक्सीनेशन कराए? मेरा नाम अरविंद गोरे, सकरपंच फ्लावर समाज एकता संगठन समिति से बिलोंग करता हूँ।